हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ये है बैंक ऑफ बरोडा का क्रेडिट कार्ड सो so, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बैंक ऑफ बरोडा का क्रेडिट कार्ड को कैसे एक्टिवेट करना है और इसके बाद हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और दिखाएंगे कि कार्ड कैसा है तो बैंक वालों ने मुझे फोन कर करके करके कर, 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 बोलता है सर आप एक कार्ड ले लो तो फाइनली गाइस मैंने डिसाइड किया ले कि लेते हैं वैसे क्रेडिट कार्ड लेने का दो कारण है पहला कारण ये है की जो बैंक वालों ने मुझे बोला ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा जब आप यूज करोगे तभी आपको चार्ज देना है कोई हिडन चार्जेस नहीं है और दूसरा कारण मेरा

तो है हमारा देख पा रहे वो फाइनली मैं इसको ओपन कर दिया तो बैंक वालों ने मुझे एक ऑफर दिया है की अगर मैं अभी क्रेडिट कर कार्ड अप्लाई करूंगा तो मुझे तीन कार्ड मिलेगा ठीक है एक ही एक अकाउंट में मतलब मैं में ही रहूंगा तो उसके बाद मेरा उसको मेरे घर का फैमिली का दो तो और मुझे मिल गया है तो आप देख सकते हो तीन कार्ड है पहले मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ है मेरा कार्ड तो जब भी आपको क्रेडिट कर कार्ड अप्लाई करोगे ना तो मेक श्योर की आप वीजा या मास्टर कार्ड ही लेना मान लो आप कोई बाहर की कंट्री से कुछ दूसरा वेबसाइट से अगर आपको सामान परचेस कर रहे हो तो अगर रुपए क्रेडिट कार्ड होगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा ठीक है इसीलिए आपको करना है वीजा या मास्टर कार्ड तो मैंने वही किया जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने ये मास्टर कार्ड अप्लाई किया है

पे क्लिक करना है साइन इन हियर पे ठीक है तो मैं सिंपली यहाँ पे टच करता हूँ उसके बाद देखिए डिवाइस वेरिफिकेशन के लिए होगा तो ठीक है यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं अगर आप एंड्रॉड यूज करेगा तो मे भी वहां पे इस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगा बट पर यहाँ पे आईफोन है इसलिए यहाँ पे डिवाइस वेरिफिकेशन हो रहा है तो मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आया है मैं उस ओटीपी को देखकर डिवाइस को वेरीफाई करा लेता हूँ ठीक है मैंने ओटीपी को डाल दिया लेट्स वेरीफाई ओटीपी उसके बाद ये जो कार्ड है इसका मुझे लास्ट फोर डिजिट देना होगा एक्टिवेट करने के लिए तो मैं लास्ट मेरा जो लास्ट फोर डिजिट है वो दे देता हूँ ठीक है मैंने कार्ड का लास्ट का फोर डिजिट दे दिया उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना

तो वही एमपिन में फिर से अभी डाल देता हूँ लॉग इन करने के लिए हमारा लॉग इन हो चुका है अभी हम हाँ, हमारा जो इंटरफेस है आप देख पा रहे हो आ चुका है तो यहाँ पे ये यह कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशन है ये कोई काम का नहीं है मैं इसका प्रोसेस भी क्लिक करता हूँ मेरा जो कार्ड है ये यह यहाँ पे शो हो गया है जब आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे में पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है तो चलिए अभी हम इसको फिर से ओपन करते हैं ओपन करने के बाद अभी क्या सेटिंग करना है मैं आपको वो दिखाता हूँ देखिए मैंने जो एम रखा था वो बोला एमपिन यहाँ पे डाल देना है अभी वही एमपिन डाल देना ठीक है जो आपने सेट किया तो अभी आपको करना है क्या है कुछ सेटिंग को ऑन कर लेना है वो सेटिंग ऑन करने के बाद ही आप आप इसको यूज कर पाओगे तो यहाँ पे आप पे गाइस नीचे देख पा रहे हो एक ऑप्शन लिखा हुआ है कार्ड यूजर्स एंड लिमिट तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे पे क्लिक करने के बाद गाइस कुछ सेटिंग है जिसको आपको ऑन कर लेना है एटीएम विद्रोल का है इसको आपको ऑन कर लेना ठीक है ये ऑफ था तो मैंने इसको ऑन कर दिया टैप एंड प्ले इसको भी आपको ऑन कर देना है ठीक है ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन भी आपको ऑन कर देना है मार्शल आउटर आउटलेट भी ऑन कर देना है क्रेडिट कार्ड को यूज करके कुछ सामान परचेस करोगे कुछ बाय करोगे तो आपको क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे करना होगा

चाहो तो एक ही बार में पूरा बिल पे कर सकते हो या फिर थोड़ा थोड़ा बिल पे कर सकते हो उसके बाद गैस मैं अभी आपको एक, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ यहाँ भी देखिए कन्वर्ट टू ईएमआई ठीक है ये क्या है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा